शहर में गड्ढों के कारण हो रहे दुर्घटनाओं को लेकर मनपा प्रशासन को जगाने के लिए चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रितेश्वर प्रामो तिवारी के नेतृत्व में सेल्फी विद गड्ढा अभिनव आंदोलन शुरू किया गया। शहर की सड़कें बदहाल हो गई है और गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन मनपा प्रशासन अनदेखी का नाटक कर रहा है। इसलिए सोए हुए प्रशासन को जगाने के लिए चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रितेश्वर प्रामो तिवारी के नेतृत्व में सेल्फी विद गड्ढा यह अभिनव आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें शहर वासियों को 15 अगस्त तक गड्ढों के साथ सेल्फी लेकर भेजनी है। निर्णायकों द्वारा चयन के बाद विजेताओं को प्रथम 5,000, द्वितीय 3,000 और तृतीय 2,000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चंद्रपुर शहर एक ऐतिहासिक शहर है, जिसमें महात्मा गांधी और कस्तूरबा मार्ग या दो शहर मुख्य मार्ग है। इन दोनों मार्गों पर मुख्य बाजार है, स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय है, जिसके चलते इन सड़कों पर नागरिकों और छात्रों की हमेशा भीड़ रहती है। पिछले महीने हुई भारी बारिश के कारण शहर की दोनों मुख्य सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसके साथ ही तुकुम बंगाली कैंप सिविल लाइन का भी बुरा हाल है। गड्ढों की वजह से हो रही दुर्घटनाओं में अनेक लोग घायल हो रहे हैं। इसके बावजूद मनपा प्रशासन इस ओर अनदेखी किए जा रही है। इसलिए प्रशासन के निषेधार्थ कांग्रेस की ओर से सेल्फी विद गड्ढा आंदोलन चलाया जा रहा है। इस आंदोलन के सेल्फी भेजने की अपील शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने की है। पिछले 2 सालों से चंद्रपुर महानगर पालिका के रस्तों की जो हालत है, हर वार्ड में ले लो, हर मेन रोड पे ले लो, गड्ढे ही गड्ढे है। और उसमें महानगर पालिका फालतू के इसमें लाखों रुपए का खर्चा करती है। अभी उन्होंने बीच में फुटपाथ पर जो लाइट लगाया वो बेकार में, अभी एक बरसात में वो पूरे लाइट बह रहे थे। तो हमारा यही कहना है कि पहले आप जो जरूरी चीज़ें हैं, जो आज लोगों को गड्ढों के कारण कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोगों को दवाखाने में जाना पड़ रहा है, तो इसीलिए हमने एक अभिनव उपक्रम किया है कि लोगों ने गड्ढों के साथ में सेल्फी लेने को ना, कम से कम उससे महानगर पालिका को एक थोड़े तो भी शर्म आए और उन्हें वो गड्ढे भरे और रास्ते अच्छे बनाए, इसीलिए हमने ये कार्यक्रम लिया है।